नजर रखते हैं, क्लोजली फॉलो करते हैं बाजार के हर मूवमेंट को। तुलसीयान साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये बताइए, आपने इस पूरे डेवलपमेंट को किस तरह से रीड किया और इस समय आपका कॉल किया है हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर खास तौर पर? देखिए हेमंत, निश्चित रूप से कि चिंता का विषय बना हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मुझे बाजार में ओवर रिएक्शन आते हुए दिखाई दिया। जो कि अगर मैं एक DHFL को अगर मैं एक अलग भी निकाल भी दूं कि उसके ऊपर जो है उसके बॉन्ड्स जो है मार्केट में बिके नहीं और कम दामों पे बेचना पड़ा, तो उससे लेकिन उसके जो एसेट लाइबिलिटी मिसमैच पे कोई असर आते हुए दिखाई नहीं देता। अगर आप शॉर्ट टर्म भी ले में अगले 6 महीने का, बाजार शायद ये मान के चल रहा है कि उनकी सारी की सारी जो अगले 6 से 12 महीने में लाइबिलिटी मच्योर हो रही है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी और उनके इंस्टॉलमेंट्स और उनके बुक जो जो रीपेमेंट है वो नहीं आएगा, वो एक तरह से ओवर रिएक्शन था। तो कहीं ना कहीं NBFCs पे एक पॉजिटिव एक तरह से रिलीफ आती हुई दिखाई देगी। मैं नहीं कहता हूँ कि पॉजिटिव बायस बिल्टअप होगा फिर से इसमें, निश्चित रूप से चाहे NBFC हो चाहे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होने, ब्याज का असर जरूर रहेगा, ब्याज का दबाव। लेकिन ब्याज का दबाव जब राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो आप देखते हैं तो उसमें ब्याज का जो दबाव होता है या मार्जिन पे जो प्रेशर होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे, वो कहीं ना कहीं एक लेग इफेक्ट में 2 या 3 महीने का असर दिखाता है। और उसके बाद में हर एक का आज आप देखिए कोई भी कंपनी, मुझे नहीं लगता कि होम लोन में आपको फ्लोट फिक्स रेट पे फिक्स रेट इंटरेस्ट पे देती है, फ्लोटिंग रेट पर। फ्लोटिंग रेट का एक साल से हर लोन का जो है रीवर्किंग होती है। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जो ओवर रिएक्शन था वो कहीं ना कहीं बॉटम आउट होते हुए दिखाई देगा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए पॉजिटिव होगा। और अब जो अगर आप ओवरऑल सिनारियो ले जिसमें ILFS शामिल है या फिर यस बैंक है, इनफैक्ट वो भी मुद्दों पे जैसे ILFS पे अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आता है और जिस हिसाब से एक एस्टिमेट बन रहा है कि जो भी जितने भी स्टेक होल्डर हैं ILFS के, जैसे ओरिक्स कॉरपोरेशन ऑफ जापान है जो 22-23%, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिखाया कि वो अपना स्टेक बढ़ाने के लिए तैयार है प्रोरेटा इक्विटी अपना इन्वेस्टमेंट लगा करके, तो ILFS पे भी सरकार की तरफ से फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहीं ना कहीं पॉजिटिव आएगा। और इन सारी चीजों से मैं पॉजिटिव कॉल तो बाजार पे ओवरऑल नहीं लूंगा एक्सपायरी तक, लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो अफरा तफरी हमने शुक्रवार को देखी थी उतनी शायद आज देखने को न मिले। शॉर्ट कवरिंग भी आवे, जिस हिसाब से काउंटर पे शॉर्ट्स बिल्टअप हुए, 12 करोड़ शेयर यस बैंक की डिलीवरी अब्सॉर्ब हुई, उन सारी चीजों को देखते हुए नेगेटिव्स आर सीन बिहाइंड और अब बाजार में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी और थोड़ी शॉर्ट कवरिंग जरूर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग रैली की एक्सपेक्टेशंस की जाए। सर ये बताइए, क्योंकि जो लोग डर रहे थे कि DHFL के लिए कोई बहुत बड़ी ख़राब खबर आ जाएगी, क्रेडिट डाउनग्रेड आ जाएंगे, इकरा केयर ने रीअफर्म कर दी क्रेडिट रेटिंग, अभी फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से बयान आया, SBI चेयरमैन ने अभी आके बयान दिया कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बिल्कुल उसी चश्मे से देखेंगे NBFCs को जैसे पहले देखते थे, RBI का स्टेटमेंट आया, SEBI का स्टेटमेंट आया। आज कितनी तेजी हो सकती है हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में, खासतौर पर इंडिया बुल्स हाउसिंग और DHFL में, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना गैप अप खुल सकते हैं, कितना बढ़ सकते हैं? देखिए मैं दोनों जो स्टॉक को दोनों निश्चित रूप से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में, लेकिन मैं इंडिया बुल हाउसिंग पे हमेशा मैंने पॉजिटिव कॉल लिया, क्योंकि अगर आप देखिए कि सेकंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, मैंने इसके कई पैरामीटर्स को हाईलाइट किया है पास्ट में भी, ये नहीं कहूँगा कि उसका जो रिएक्शन आया वो नाजायज था, उसका कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स या पैनिक रिएक्शन जरूर देखने को मिला। आज इंडिया बुल हाउसिंग क्वार्टरली 2 रुपये के शेयर पे आपको 10 से 12 रुपये का डिविडेंड देती है, 4 इंटरिम डिविडेंड देती है, अगर ऐसे में प्रमोटर का स्टेक 22-23% ही है तो क्यों इतना बड़ा डिविडेंड पे आउट करेंगे जो कि 60-65% के आसपास बैठता है। अगर आप उसकी एसेट क्वालिटी बुक देखें, चाहे होम लोन हो, चाहे मॉर्गेज लोन हो, चाहे लैप हो, वो सारे के सारे अंडर कंट्रोल है, एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, EPS करीबन 90-95-100 रुपये का इस अनुमानित वर्ष FY19 के लिए अनुमानित है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सबसे पहले जैसे मैंने बताया 55-60% का, मुझे लगता है कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या लेंडिंग कंपनी इतना बड़ा डिविडेंड पे आउट देती है तो अपने आप में वो कॉन्फिडेंस दर्शाता है। और अगर जिस हिसाब से मैनेजमेंट का स्टेटमेंट आया कि 21,000 करोड़ उनके पास कैश है, उनका कोई भी शॉर्ट टर्म एसेट लाइबिलिटी का मिसमैच नहीं है, तो इंडिया बुल हाउसिंग पे मेरे हिसाब से ज्यादा स्विफ्टली हमें शॉर्ट कवरिंग और वैल्यू बाइंग आती हुई दिखेगी। देवान हाउसिंग पे मैं फिलहाल शॉर्ट कवरिंग मानूंगा, जो आपने कहा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं रेटिंग एजेंसी रेटिंग एजेंसियां ने अपनी रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन मार्केट काफी डायनामिक है और मार्केट रेटिंग्स वगैरह का जो है रेटिंग, इनफैक्ट आजकल रेटिंग एजेंसियां जो है हाइंडसाइट में प्ले करती है, इवेंट होने के बाद में रेटिंग डाउनग्रेड होता है, तो उसका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। देवान हाउसिंग में भी शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगा, लेकिन एज कंपेयर टू इंडिया बुल हाउसिंग में उसका शॉर्ट कवरिंग लो रहेगा और शायद वैल्यू बाइंग जितनी इंडिया बुल हाउसिंग में हम आती हुई देखेंगे उतनी वैल्यू बाइंग हम शायद देवान हाउसिंग में नहीं देखें। उसके लिए हो सकता है मार्केट 1-2 दिन के लिए और वेट करे और उसके लिए देखे, लेकिन वीकनेस दोनों स्टॉक्स में करंट लेवल से नहीं है। चलिए तुलसीयान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल।